गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ रेसिमोस इन फ्लोरेसेंस. यस्टरडे वी हैव डिस्कस अबाउट द व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रेसिमोस इन फ्लोरेसेंस. तो रेसिमोस इन फ्लोरेसेंस के लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, दैट इज RICT. दैट मीन दैट द रेसिमोस इन फ्लोरेसेंस इज ऑफ इनडिटर्मिनेंट ग्रोथ, यानी एक्सिस जो होती है उसकी ग्रोथ इनडिटर्मिनेंट होती है. और ए का मतलब होता है द फ्लावर आर अरेंज इन एक्रोपिटल सक्सेशन एंड द मीनिंग ऑफ सीटी इज दे आर सेंट्रीपिटल इन फ्लावर ओपनिंग. ठीक है, तो सेंट्रीपिटल ओपनिंग होती है, एक्रोपिटल सक्सेशन होता है, इनडिटर्मिनेंट ग्रोथ होती है. आज हम बात करेंगे इसके डिफरेंट टाइप्स की. तो सबसे पहले आता है बेटा इसका रेसीम. रेसीम जो है इट इज़ द फर्स्ट टाइप ऑफ रेसिमोज इनफ्लोरेसेंस. इसमें होगा क्या बेटा, इसमें एक कॉमन इलोंगेटेड एक्सिस होता है या स्टॉक होता है. फ्लावर जो होते हैं एक्रोपिटल सक्सेशन में अरेंज आपको दिखेंगे. ठीक है, लेकिन एक साथ नहीं निकलते हैं. देखो जैसे ऐसे है आपका, तो एक फ्लावर ऐसे निकला, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, और आप जैसे देखते जाओगे जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो फ्लावर का साइज छोटा होता चला जाता है. तो इस प्रकार का जो कंडीशन होती है जिसमें एक कॉमन एक्सिस होता है और स्टॉक्ड फ्लोर होते हैं, यानी फूलों के पास ये फ्लावर है और यहाँ पे आपका ये लीफ आ गई. ठीक है, इस तरीके से स्टॉक्ड फ्लावर होते हैं और फूलों के आसपास फूलों के जो ओरिएंटेशन होती है वो अल्टरनेटिव पैटर्न में होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, सिंपल रेसीम बोल देते हैं. फिर आते हैं आपके स्पाइक. स्पाइक का क्या मतलब होता है, स्पाइक का मतलब होता है कि जो पेडिंकल होता है इनका वो इलोंगेटेड होता है, लेकिन फ्लावर्स कैसे होते हैं, ससाइल होते हैं. तो अगला जो टाइप आता है दैट इज स्पाइक, एंड द मीनिंग ऑफ स्पाइक इज द पेडंकल इज इलोंगेटेड. पेडंकल इलोंगेटेड है, मेन एक्सिस इलोंगेटेड है, लेकिन फ्लावर जो होते हैं वो कैसे होते हैं बेटा, ससाइल होते हैं. और ससाइल का मतलब होता है विदाउट स्टॉक, यानी उनके पास कोई स्टॉक जैसी स्ट्रक्चर नहीं होती है. स्टॉक जैसी कोई स्ट्रक्चर उनके पास नहीं होती है, उनके पास स्पाइक्स नहीं होते हैं, या आप कहो कि उनके पास जो पकड़ने के लिए होल्डिंग के लिए होता है वो चीज़ नहीं होती हैं. ठीक है, इससे पहले जो हमने रेसीम बताया था उसके एग्जाम्पल आपके मस्टर्ड और रेडिश था, और स्पाइक का एग्जाम्पल आपके पास होता है बॉटल ब्रश, एमेरेंथस एट्सेट्रा. इसका एग्जाम्पल है आपका एमेरेंथस. एमेरेंथस जिसको बोल सकते हो, इसके अलावा कैलिस्टेमा, बॉटल ब्रश जिसको आप बोलते हो, वो स्पाइक का एग्जाम्पल होता है. फिर आता है बच्चों अपना कैटकिन. कैटकिन तीसरे प्रकार का है. कैटकिन के अंदर एक पेडंकुलर स्पाइक होता है जिसके ऊपर छोटे छोटे बहुत सारे यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स लगे हुए होते हैं. अगर आपने शहतूत अगर देखा हो, इस तरीके से एक छोटा सा आपको मिलेगा और बहुत सारे छोटे 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 फ्लावर्स आपको देखने को उसके ऊपर मिल जाते हैं. इस तरीके से मलबेरी आपने सबने देखा, शहतूत बोलते हैं अपन उसको, तो उस इस प्रकार के जो मिलेंगे, लेकिन होगा यूनिसेक्सुअल, ये ध्यान रखना है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं. तो फ्लावर्स आर यूनिसेक्सुअल. मलबेरी और सिल्क जो आपका सेलिक्स है वो उसके एग्जाम्पल होते हैं. उसके बाद आता है बेटा स्पैडिक्स. स्पैडिक्स का एग्जाम्पल है भुट्टा. अगर आपने भुट्टा ध्यान हो आपको, तो भुट्टे के अंदर आपने देखा होगा स्पैडिक्स में एक मेन एक्सिस होता है और उसके ऊपर आपको एक ऐसे भुट्टा ऐसे ही तो होता है ना, देखो छोटे छोटे दाने लगे होते हैं. तो इस प्रकार से बहुत सारे दाने लगे हुए होंगे और एक बड़ा सारा ब्रैक्ट होगा इसके आसपास, एक बड़ा सारा स्पेथ बोलते हैं इसको. इस एक लीफी स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, स्पेथ. तो आपने देखा होगा भुट्टा अगर आप घर पे लाके खाते हो तो उसका छिलका उतारते हैं ना, दैट इज़ द स्पेथ एंड दिस इज़ द मेन स्पैडिक्स. तो इस हिस्से को हम लोग क्या बोलेंगे, स्पैडिक्स बोलेंगे. और ये जो हिस्सा है बाहर वाला, इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, स्पेथ बोलते हैं. ए स्पाइक विद थिक एंड फ्लैशी एक्सिस. इसका एक्सिस कैसा होता है, थिक होता है और फ्लैशी होता है. ठीक है, और इसके ऊपर आपको एक स्पेथ देखने को मिलता है जो उसको कवर करता है. इट इज़ ए लार्जेस्ट ब्रैक्ट, एक बहुत बड़ा ब्रैक्ट होता है. ठीक है, बनाना इसका एग्जाम्पल है और मेज़ इसका एग्जाम्पल है, कोलोकेशिया अरबी इसका एग्जाम्पल है. यहाँ पे भी फ्लावर्स के पास स्पाइक जैसी कोई स्ट्रक्चर नहीं होती है, और जिस चीज़ को आप होल्ड करते हो वो उसका क्या होता है बेटा, स्पाइक होता है. ठीक है बेटा,
नेक्स्ट हम बात करेंगे कोरिम्ब की। कोरिम्ब के अंदर एक छतरी नुमा स्ट्रक्चर बन जाती है, आप कह सकते हो। फॉर एग्जांपल एक प्लांट है आपका, ये एक फ्लावर आ गया यहाँ पे, फिर आपका थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे, ये ऐसे 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 ऐसे। आप एक चीज़ ऑब्जर्व करना यहाँ पे कि एक्सिस किसी का भी कॉमन नहीं है, सब अलग 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 पॉइंट से निकल रहे हैं। तो इस प्रकार के अरेंजमेंट को हम लोग कोरिम्ब बोलते हैं। आइबरिस अमारा के अंदर इसका प्रेजेंट ये पाया जाता है, आइबरिस अमारा। ठीक है, अम्बल जो होता है वो बिल्कुल देखने में ऐसा ही लगता है। देखो मैं दोनों को इकट्ठा बताऊंगी। अम्बल इसमें लेकिन क्या होता है, एक पॉइंट से सारे निकलते हैं। मैं दोनों को साथ इसलिए बना रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए मैं क्या कहना चाह रही हूँ। इस तरीके से तो सारे देखो इस डायग्राम में, हालांकि ऊपर तो सारे एक जैसे दिख रहे हैं लेकिन नीचे से उनका ओरिजिन अलग अलग है। इस केस के अंदर पॉइंट ऑफ ओरिजिन बिल्कुल सेम रहता है। ये ब्राह्मी जो होती है सेंटेलम, उसके अंदर ये पाया जाता है। फिर आता है आपका सबसे लास्ट, दैट इज़ कैपिट्यूलम। अगर आपने सूरजमुखी या गेंदे का फूल देखा है तो आपको ये पता होगा, गेंदे का जो फूल आप बोलते हो वो एक अकेला फूल नहीं, इट इज़ ए ग्रुप ऑफ फ्लावर। ऐसे ही सनफ्लावर इज ए ग्रुप ऑफ फ्लावर। तो इस प्रकार के अरेंजमेंट जिसमें फ्लावर में मिले इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से, या बिल्कुल राउंड, उसको हम क्या बोले, ऐसे आपका फूल होगा। मतलब ये स्टॉक होती है, ऐसे किसी भी प्रकार से हो सकता है। ऐसा वाला कम मिलता है, ये इस तरीके से आपको मिल सकता है। तो इसके लिए मैं आपको सूरजमुखी का एग्जांपल दे रही हूँ। ठीक है, सूरजमुखी का एग्जांपल है ये, इसका थैलेमस हो गया। यहाँ पे आपको बहुत सारे फूल, अगर आपने सूरजमुखी देखा हो तो इस तरीके की पत्तियाँ उसके ऊपर होती हैं। ठीक है, इसके और बीच में काला काला हिस्सा होता है, तो इनको हम बोलते हैं रे फ्लोरेट, और इनको हम बोलते हैं डिस्क फ्लोरेट। और एक्चुअली रे फ्लोरेट जो होता है उनके पास सिर्फ कोरोला होता है। डिस्क फ्लोरेट के पास, डिस्क फ्लोरेट के पास क्या होगा बेटा, एक्चुअली स्टाइल और स्टिग्मा प्रेजेंट होती हैं। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।